हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे थॉमस डी क्विंसी की, जो रोमांटिक टाइम पीरियड के काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। थॉमस डी क्विंसी का बर्थ हुआ था 1785 में, इनकी डेथ हुई थी 1859 में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। इंग्लिश एसेस्ट थे, क्रिटिक थे, बेस्ट नोन फॉर इनका एक वर्क था कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। तो ये काफ़ी इम्पोर्ट दो तीन वर्क ये इनके जो इम्पोर्टेंट है, तो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। मैथ्स द कॉलम में कई बार पूछा गया है ये। तो इसी के साथ कुछ स्कॉलर ऐसा मानते हैं कि जो एडिक्शन लिटरेचर था उसकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने इनोग्रेट किया था कि जो ड्रग्स है या ओपियम है, इनका जो एडिक्शन लोगों को हो जाता है उसके ऊपर इन्होंने ही शुरुआत किया था लिखने का। एज ए चाइल्ड डी क्विंसी वॉज अलाइनेटेड फ्रॉम हिज सॉलिड प्रोस्पेरस मर्केंटाइल फैमिली बाई हिज सेंसिटिविटी एंड प्रीकोसिटी। एट द एज ऑफ 17 ही रैन अवे टू वेल्स एंड देन लिव्ड इनकोग्निटो इन लंदन 1802 से 3 तक। देयर ही फॉर्म्ड अ फ्रेंडशिप विद अ यंग प्रोस्टिट्यूट नेम्ड एन हु मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। रिकनसाइल्ड टू हिज फैमिली इन 1803। पहले 17 की एज में वेल्स भाग गए थे, बाद में ये वापस अपनी फैमिली से रिकनसाइल हुए 1803 में। फिर ये वर्सेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए, वेयर ही कंसीव्ड द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग द इंटेलेक्चुअल बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। ही बिकेम वाइडली रीड इन मैनी सब्जेक्ट्स एंड इवेंचुअली वुड राइट एसे ऑन सच सब्जेक्ट एज हिस्ट्री, बायोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड जर्मन मेटाफिजिक्स। वाइल स्टिल एट द कॉलेज इन 1804 ही टुक हिज फर्स्ट ओपियम टू रिलीव द पेन ऑफ फेशियल न्यूरेलजिया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने 1804 में कॉलेज टाइम में ये ओपियम ड्रग ली थी, उनके टूथ में दांत में दर्द था, उसी की पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिले इसीलिए उन्होंने ओपियम लिया था। लेकिन उसके बाद ये उसकी डोज बढ़ाते गए और एक तरह से डेली लेते गए। इन 1813 ही हैड बिकम अ रेगुलर एंड कन्फर्म्ड ओपियम ईटर, मतलब ओपियम एडिक्ट हो गए थे ये। कीपिंग अ डिकेंटर ऑफ ल्यूडिनम By his elbow and steadily increasing the dose, he remained an addict for the rest of life. धीरे धीरे इन्होंने उसकी डोज को भी बढ़ा दिया था और अपनी पूरी लाइफ में ये एडिक्ट ही रहे थे ओपियम के। डी क्विंसी वॉज एन अर्ली एडमायरर ऑफ लिरिकल बैलेट्स। इन 1807 ही बिकेम ए क्लोज एसोसिएट ऑफ इट्स ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। ही रेंटेड वर्ड्सवर्थ फॉर्मर होम डोव कॉटेज एट ग्रैमशेयर ऑन एंड ऑफ फ्रॉम 1809 टू 1813। 1817 डी क्विंसी मैरिड मार्गरेट सिम्पसन हु हैड ऑलरेडी बोर्न हिम अ सन। दो ही रोट वॉल्यूमसली पब्लिश ऑलमोस्ट नथिंग, हिज फाइनेंशियल पोजिशन एट हेड ऑफ अ लार्ज फैमिली वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स अनटिल द अपियरेंस ऑफ कन्फेशन। इन्होंने इनका एक वर्क था कन्फेशन जो 1821 में आया था इन लंडन मैगजीन, मेड हिम फेमस। इट वॉज रीप्रिंटेड एज अ बुक इन 1822। अमंग डी क्विंसीज अदर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग द सो कॉल्ड रेक रिमिनसेस, ये भी मैच द कॉलम में और कई बार पूछा गया है। ये फर्स्ट प्रिंट हुआ था टेट्स मैगजीन में 1834 टू 40 के बीच में, विच डीपली ऑफ इनके दो वर्क, एक तो वो कन्फेशन ऑन द ओपियमीटर और एक ये जो लेक रेमिनसेस है, इसमें जो लेक पोएट थे वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, साउदे थे, उनके बारे में लिखा है उन्होंने। विच डीपली ऑफेंडेड वर्ड्सवर्थ एंड अदर लेक पोएट्स रिमेन्स ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट ऑल दो इट इज हाईली सब्जेक्टिव नॉट विदाउट मेलाइस एंड अनरिलायबल इन मैटर्स ऑफ डिटेल। एज ए लिटरेरी क्रिटिक डी क्विंसी इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, फर्स्ट प्रिंटेड इन द लंदन मैगजीन अक्टूबर 1823। अ ब्रिलियंट पीस ऑफ साइकोलॉजी इनसाइट एंड अ क्लासिक ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। तो ये इनका वर्क है जो क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का प्ले है। इनके कुछ वर्क हैं जिनका नाम मैंने दिए और ईयर, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये 1821 में आया था, तो इसका नाम और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए ये 1821 ईयर आपको ध्यान होना चाहिए, डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये 1823 में आया था। वेलमा डोर 1825 में आया था। ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट 1827। क्लोस्थेरम और द मास्क 1832। इनमें से ये लेक रिमिनसेस, नॉकिंग वाला मैकबेथ ये, और जो सबसे पहले ओपियम मीटर ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इंग्लिश मेल कोच 1849 में, ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस 1853। तो इनका बस आपको ईयर और नाम याद होना चाहिए कि ये वर्क किसने लिखे हैं, डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।